हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम ए पढ़ा क्रियार भाव, क्रियार विशेषण, क्रिया विशेष्य, क्रिया विशेषण आम देखा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्रियार भावटा जोटा रही कौन देखूँ। तो क्रियार भाव दुई प्रकार, जथा आभिप्रायिक आ गोटे अनुज्ञा। आभिप्रायिक अर्थ हूँ मीनिंग, यार अर्थटा मीनिंग माने मतलब जोटा कही था। आउ अनुज्ञा माने अनुमति प्रदान करिबा भावरे। तो प्रत्येक भाव कौ माने तीन श्रेणी में विभक्त करा जाइछि। आभिप्रायिक भाव को भी तीन भाग रे और अनुज्ञा भाव को भी तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। जथा साधारण, असंपन्न और संपन्न रे विभक्त करा जाइछि। तो देखंतु आभिप्रायिक भाव माने हमर मीनिंग एटा मुख्यतः शुद्ध रूप से वाक्य व्यवहार करा जाए। जमीती साधारण बा शुद्ध आभिप्रायिक भाव है तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में मु पढ़ती हे, द्वितीय पुरुष एक वचन हम तू पढ़तु, तृतीय पुरुष एक वचन हम से पढ़ता। तापर प्रथम पुरुष बहुवचन हम आमे मैने पढ़तु, तापर हम आमर कौन ना तुम्बे मैने पढ़त, तृतीय पुरुष बहुवचन हम से माने पढ़ते हेब। तापर देखु संपन्न आभिप्रायिक भाव, यह मुख्यतः वाक्य व्यवहार हो न था ज्यादातर। ये रही साधारण बा शुद्ध आभिप्रायिकटा आमर प्रथम पुरुष रे मु पढ़ती, ये बहुत रियली ही आम शुद्ध वाक्य यूज करी थाउ। देखु संपन्न आभिप्रायिक भावटा कौन, एक वचन रे कौन हम प्रथम पुरुष मु पढ़ु था, द्वितीय पुरुष रे हम तू पढ़ु था, तृतीय पुरुष रे हम से पढ़ु था। तापर आम देखा एक आमर प्रथम पुरुष बहुवचन रे कौन हम आमे माने पढ़ु था, तू तापर हैला द्वितीय पुरुष रे तुम्हे माने पढ़ु था, तृतीय पुरुष रे हैला से माने पढ़ु था। तापर हैला आमर संपन्न आभिप्रायिक भाव रे कौन हम मु पढ़ी था एक वचन प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष रे तू पढ़ी था, तृतीय पुरुष रे से पढ़ी था। बहुवचन रे कौन हम आमे माने पढ़ी था, प्रथम पुरुष गला, द्वितीय पुरुष बहुवचन रे तुम्हें माने पढ़ी था, तृतीय पुरुष बहुवचन रे से माने पढ़ी था। तापर देखा आम अनुज्ञा भाव माने आमर जो आदेशमूलक क्रिया ये व्यवहार होता है। आमर साधारण अनुज्ञा भाव कौन हम एक वचन कौन अच्छी मु पढ़े, तापर द्वितीय पुरुष एक तू पढ़ो, तापर तृतीय पुरुष एक वचन से पढ़ु, तापर प्रथम पुरुष बहुवचन रे आंबे माने पढ़ु किंबा पढ़ु, तृतीय पुरुष बहुवचन रे तुम्हे माने पढ़ो, तृतीय पुरुष बहुवचन रे कौन अच्छी से पढ़ंतु रही। तापर देखु असंपन्न अनुज्ञा भाव कौन हम देखु एक वचन रे मु पढ़ु थाए, द्वितीय पुरुष रे हम तू पढ़ु था, तृतीय पुरुष रे हम से पढ़ु था। तापर असंपन्न अनुज्ञा भाव आमर जो रही बहुवचन रे केमिति हेबो आंबे माने पढ़ु थाउ, तापर तुम्हें माने पढ़ु थाओ, सेमाने पढ़ु थांतु, एमती भाव लेखा जाय थाए। तापर देखिबा संपन्न अनुज्ञा भावटा देखंतु संपन्न अनुज्ञा भाव एक वचन रे मु पढ़ी थाए, तू पढ़ी था, से पढ़ी थाउ, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष गला। बहुवचन प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुषटा देखिबा आंबे माने पढ़ी थाउ, तुम्हें माने पढ़ी थाओ, सेमाने पढ़ी थांतु। तो आमे देखिले आभिप्रायिक भावटा आमर अर्थ हिसाब रे व्यवहार होइछि अर्थ भावरे। तापरे जो रहिछि आमर अनुज्ञा भावटा आदेशमूलक क्रियार व्यवहार होइछि। जेमिति एटा कोन होइते वर्तमान ओ भविष्यत काल रे अनुज्ञा बा आदेशमूलक क्रियार व्यवहार हुए। वर्तमान ओ भविष्यत काल रे एटा व्यवहार होइथाय। एहार प्रथम पुरुष रे विशेष भाव रे देखा जाय नाही, एटा प्रथम पुरुष रे विशेष भाव रे यूज होइ नथाय। जेमिति मु कहली कि मु पढ़ु था, मु पढ़ती एमती हो न था, तेणु विशेष भाव में यहाँ यूज हो न था। तथापि जदि मुझे कहे हेब यही वाक्य कहवा लगे कौन हम मत आदेश अथवा अनुमति मिलू बोली आम कौन परमिशन मगुचे ना मु कहबि कि परमिशन मगुचे सेमती आम कौन एथर बाहर यहीटा है आमर कौन ना बहुवचन रही आमे मैने बहुवचन रही तो आम परमिशन मगुचे आम एथर बाहर कि परमिशन मगुचे तेणु यहाँ आमर अनुज्ञा बा आदेशमूलक क्रिया भाव में व्यवहार होती। तो आमर क्रियार भाव भी सरला। तापर आम पढ़ा क्रिया विशेषण, क्रियाज विशेषण और क्रिया विशेष्यटा आम पढ़ा। देखु
क्रियावाचक विशेष्यटा कौन प्रथम आम देखने जो पद कौन क्रियार नाम को बुझाई थाए ताहाको कौन कहुए ताहाको क्रियावाचक विशेष्य बोली कहुए जमी कि आम जीबा आसीबा पढ़ीबा लेखिबा हसीबा कांदीबा देखंतु ए सबू रही बंदाण भसाणी भालेणी ए सबू तो क्रियावाचक क्रिया और क्रियावाचक विशेष्य मधे पार्थक्य कौन आम देखा यो आम सेंटेन्स रही शिक्षक चौकी में बसी रोगीटी जोर से काशुची बसवाठू काशिबा भल मु पूरी बेलाभूमि समुद्र देखी पूरी बेलाभूमि समुद्र दर्शन अत्यंत चित्ताकर्षक यो रही देखु आमर सेंटेन्स गुड़ा ये कौन रही बसी काशुची देखी क्रियापद होता बेले बसवा काशिबा और दर्शन करने कौन है क्रियावाचक विशेष्य यो बसी काशुची ये सब कौन देखी ये सब है आमर क्रिया किंतु यो काशिबा हाँ दर्शन करवा यह सब कौन है आमर क्रियावाचक विशेष्य है कहीं आम जो देखी दर्शन जो करमी सी आमको बताऊँ मान तार विशेषत्वटा बताऊँ यहाँ क्रियावाचक विशेष्य तापर आम देखा क्रिया क्रिया जो विशेषणटा कौन देखु ये जगह आम देखा जे विशेषणटा प्रथम कौन देखने पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण और निर्दिष्टता जो थे प्रकाश करहाको विशेषण पद कहते मान पदर गुण बताऊ अवस्था बताऊ संख्या बताऊ परिमाणटा बताऊ निर्दिष्ट भाव में जोटा प्रकाश करहाको कौन कहुए विशेषण कहुए तो ये देखा आम क्रिया विशेषणटा कौन देखु जो विशेषण पद क्रियापद को विशेषित करी अथवा क्रियार गुण अवस्था प्रकाश करे ताहाको क्रिया विशेषण कहुए माने जो विशेषण पद कौन कर क्रिया को विशेषित करी तार अर्थ किंवा गुण अवस्था प्रकाश करुथिबो कहुए क्रिया विशेषण एग्जांपल देखिबा बुढ़ीटी धीरे चलुची ये जो धीरे अच्छे से आमर क्रिया विशेषण आम केमी जानवा कि ये आम क्रिया विशेषण जितेबले आमको सेंटेन्स दिखाई आम क्वेश्चन करवा केमी क्वेश्चन कले आम एनसरटा आसटा हम आम क्रिया विशेषण बुढ़ा केमी चलुची बुढ़ा धीरे चलुची निया केमी जलुची हुतु हुतु जलुची देख हुतु हुतु यहाँ है आमर क्रिया विशेषण तो दीप मिंजी मिंजी जलुची दीप केमी जलुचे मिंजी मिंजी तो देखिले एमती यही सब वाक्य गुड़िकरे धीरे हुतु हुतु जोर सरल मिंजी मिंजी मंद मंद चंचल घु घु यही सब पद गुड़िक कौन यथाक्रमे चलुची जलुची कांदुची आसीब जलुची बोहुची दौड़ी पारे गर्जुची यही क्रियापद को विशेषित करुची एणु एगुड़िक कौन है क्रिया विशेषण है तो बुझिले तापर आम देखा क्रिया देखु क्रिया विशेषण विशेषणटा कौन जो विशेषण पद क्रिया विशेषण पद को विशेषित करे ताहाकु क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण विशेषण कहुए माने जो विशेषण पदटा क्रिया विशेषण पद को आउ भी विशेषित करमी शैलेश अति बेगरे दौड़ू खूब जोर से पवन बोहुची अति आउ जो खूब रहिला अति बेगरे खूब जोर रे ये कौन कला क्रिया विशेषण पदर विशेषत्व को प्रकाश करुची तो या को कौन कहा क्रिया विशेषण विशेषण पद तो बुझिले अति बेगरे खूब जोर रे ये सब हम क्रिया विशेषण विशेषणटा तापर देखा क्रियाज विशेषणटा कौन देखु क्रियाज विशेषण है क्रियारु जात बा गठित विशेषण पद को कौन कहुए पद विशेष्य पद को विशेषित करुले क्रियाज विशेषण कहुए माने क्रियारु विशेषण पद विशेष्य पद को कौन विशेषित करुक क्रियाज विशेषण कही अर्थात आमर जो क्रिया धातु रही तार विशेषण को क्रियाज विशेषण कहुए यही विशेषण विशेष्य पदर क्रिया बा कार्यर अवस्था को सूचित करें आम तार उदाहरण भी देखा यह केमी धातु बा क्रियार मूल उत्सरे प्रत्यय जोग द्वारा यह गठित होता है जमी कृदंत पद आमर रही है पगलटी चलता गाड़ी पड़गला चलता रही
केमिदिया गाड़ी चलंता गाड़ी चल युक्त अंता अंता आम प्रत्ययटा रहा चलंता उड़ंता जलंता यही सबू चलंता उड़ंता जलंता यह सबू कौन है आम देखु आमर क्रियाज विशेषण है तो बुझिले क्रियाज विशेषण कौन क्रिया विशेषण कौन क्रिया विशेषण विशेषण कौन तो एबे आमे देखिबा ए जो सब विशेषण गुड़ा रही क्रिया विशेषण सेटा केमिति लेखाही थाए तो प्रथम मुझे कि क्रिया विशेषण कौन आम केमी क्वेश्चन लगे कि आम प्रश करवा तो आम आंसरटा बाहर तो देखिबा विभिन्न भाव में क्रिया विशेषण व्यवहार देखु विशेष पदर तृतीय विभक्ति जोग द्वारा तृतीय विभक्ति मान आम रे लगे रुशी खुशी युक्त हो गला रे खुशी दुख रे संध्यारे सुखरे तो विभक्ति कौन आप जानते सेमिति तृतीय विभक्ति आम विशेष पद से युक्त होमर विशेषण क्रिया विशेषणटा लेखाहब तापर ये देखु ये लिखाही सहजरे जोर्रे आमर रे लगी विशेष पदर पर पूर्वक सहित कौन लगा सहकारे जोग द्वारा यह सबू हाँ दयापूर्वक धैर्य सहकारे सावधानता सहित आम कही था ना एमती सेटा यूज हे दुखर सहित मत दुखर सहित यह कह पड़ी जो कही था यहाँ एमती हेले आमर विशेष पदर कौन हाँ पूर्वक और सहित जोड़िए कि आमर क्रिया विशेष पद हेबर देखु आमर जो रही विशेषण पदर भावे लगे भावे कि भाव लगे विशेष भाव कि विशद भाव प्रांजल भाव सुस्पष्ट भावे आम कौन भावे आउ भाव लगे कि आम क्रिया विशेषण पदटा करुचे विशेष और विशेषण पदर दुई थर व्यवहार हो माने विशेष और विशेषण पदर दुई थर यूज होमती टोपा टोपा दुई थर यूज होर तर वर्ष वर्ष मंद मंद एमती यूज होता है तापर देखा आम आम जो रही अबिकल विशेषण पदर व्यवहार मान पूरा जमी आम विशेषण रही थाए से ही यूज करवा आगे किसी लगे ना खूब द्रुत जोर एसबू विभिन्न अव्यय पदर व्यवहार होता है घू घू सहसा बारंबार एसबू तापर देखु असमापिका क्रियार विरक्ति द्वारा केमी चालू चालू पड़गला हसी हसी यहाँ असमापिका क्रिया ना तो सहीटा भी यूज हो देखु विशेष पदर समापिका क्रिया लगे समापिका क्रिया लगे देखु करी धरी सारी ये सब कौन है समापिका क्रिया आम लगी तो ये सब जो देखिले आम बोल्ड में जोटा लिखाई से सबू थी आम कौन ना क्रिया विशेषण पदगुड़िकापर देखा आम क्रियाज विशेषण केमी लिखा जाए देखु ओडिया भाषा क्रियाज विशेषण गुड़िक विभिन्न काल में मान जो विभिन्न काल रही तार भिन्न भिन्न रूप से यहाँ आम यूज होता है केमी वर्तमान काल में धातु अंता लगे उआ प्रभृति प्रत्यय जोग कर क्रियाज विशेषण गठित हो वर्तमान काल में कौन लगे धातु अंता आ लगिकी आम विशेषणटा गठित हे क्रियाज विशेषणटा तो अतीत काल में कौन हम आ इला ला उथिला इथिला ए सबू प्रत्ययटा जोग हो क्रियाज विशेषण हे कौ अतीत काल आखु भविष्य काल में केमी हम धातु सहित इबा भविष्य काल में है धातु सहित इबा उथिब इथिबा ए सबू प्रत्यय जोग कर क्रियाज विशेषण गठित हेब वर्तमान काल में देखो अंता प्रत्यय लगी जीअंता माछ किणी लोकटी फुटंता पानी रे हाथ बढ़ेला अंता प्रत्यय लगला उआ प्रत्यय पुणी लगी देखु धारुआ अस्त्र उआ हाणुआ उआ लगी ना यह सबू उ प्रत्यय लगी वर्तमान काल में आ प्रत्यय भी लगी देखु सबुदिन पिंधा लुगा रंधा सीझा सब आ प्रत्यय है ना तापर देखा आमर पचा फल खाओ ना देख पचा फुटा ये सब लगी देखा इला प्रत्यय जोटा लगी कौन अतीत व्यवहार होजिला सोइला गढ़ला गड़जुक्त इला सोजुक्त इला हजुक्त इला हजिला ये सब कौन ना आमर अतीत व्यवहार होपर ला प्रत्यय देखा गला कला देला मला यही सब जो बोल्ड में लिखाही ये सब है ला प्रत्यय जोग ही क्रिया विशेषणटा उथिला भी लगाई जा युक्त उथिला जाऊला कांद युक्त उथिला कांदुला उड़ युक्त उथिला उड़ूला देखु ये सब उथिला प्रत्यय यूज होतीला प्रत्यय जो पढ़ युक्त इथिला पढ़ीला सो युक्त इथिला सोईला ये सबू आमर इथिला प्रत्यय जोग ही
ହେଇଛି। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣଟା ହେଇଛି ଇବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ହସଯୁକ୍ତ ଇବା ହସିବା, କହଯୁକ୍ତ ଇବା କହିବା, ପଡ଼ଯୁକ୍ତ ଇବା ପଢ଼ିବା, ପିଯୁକ୍ତ ଇବା ପିଇବା, ଏସବୁ ଆମର ଇବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇ କ'ଣ ନା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଉଠିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। କହଯୁକ୍ତ ଉଠିବା କହୁଥିବା, ଚରଯୁକ୍ତ ଉଠିବା ଚରୁଥିବା, ସୋଯୁକ୍ତ ଉଠିବା ଶୋଇଥିବା, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଉଠିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଆମର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣଟା। ତାପରେ ଇଥିବା ମର୍ଯୁକ୍ତ ଇଥିବା, ହଜଯୁକ୍ତ ଇଥିବା ହଜିଥିବା, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣଟା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ତା'ର ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲି ପୁଣି କ୍ରିୟାର। ତ କ୍ରିୟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଏସବୁ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ କ୍ରିୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ପଢ଼ଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ବୁକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ବୁକ୍ଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ସାରସ୍ୱତରୁ ହିଁ ପଢ଼ଉଛି, ଆଉ ଅଲଗା କେଉଁଥିରୁ ବି ପଢ଼ଉନି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ୟା ଆଗରୁ ଆଉ ବି କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।